हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर की तलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिकर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिकर्शन क्या है, विद एग्जांपल हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं रिकर्शन को, ठीक है? रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन एक्चुअली है क्या? जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रिकर्शन बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये ऐड फंक्शन है, और इसके अंदर ही मैं ऐड लिख दूं, दैट मीन्स कि ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। व्हेन अ फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या करता है, स्टैक को यूज करता है। स्टैक यानी कि फर्स्ट पोजीशन, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो ये इस पोजीशन पे काम करता है, ये स्टैक की फॉर्म में काम करता है। जो भी डाटा हम डालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर आएगा, फिर हमने जो डाटा डाला वो इसके अंदर आएगा, फिर हमने जो डाटा डाला वो इसके अंदर आएगा, ठीक है? तो ये स्टैक का प्रोसीजर होता है। और रिकर्शन का रूल क्या रहता है, रूल क्या रहता है, रिकर्शन के फंक्शन में इफ एल्स स्टेटमेंट होगी ही होगी, ठीक है? यानी कि एक इफ एल्स टाइप की कोई कंडीशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? और एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी मिलेगी, जस्ट लाइक अगर इफ में कुछ लाइक ऐसे लिखा हुआ है, इक्वल्स टू वन, देन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू वन, लाइक दिस, कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको आइडिया लग सकता है कि वो रिकर्शन है। और सिंपलेस्ट वे आपको पता ही है, एक फंक्शन के अंदर सेम नेम का फंक्शन आ रखा है, दैट मीन्स कि वो रिकर्शन होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे फैक्टोरियल वैल्यू का। फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, सपोज के मैंने फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोग्राम लेके चलते हैं। फैक्टोरियल क्या है, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, ये सिंबल होता है इसका, फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन साइन जिसे बोलते हैं। 5 का फैक्टोरियल, जिसमें मैंने वैल्यू एंटर किया 5, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 से बिलो जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू 1 है, उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा जो कि 120 होगा। जैसे मैं 5 एंटर करती हूँ तो मुझे 120 एज अ आंसर मिलेगा, ठीक है? तो ये फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोग्राम हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अटैच, हेडर फाइल हो गया, प्री प्रोसेसर हो गया। अब इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मेन से पहले हम लोग ओनली फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे थे, बट मेन से पहले मैं पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करके पूरा का पूरा यहाँ पर डिफाइन कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ पूरे पूरे फंक्शन को यहीं पे। तो अब हम डायरेक्टली जब भी फंक्शन प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होएगा, मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होएगा, चाहे आपने मेन को कहीं एकदम बॉटम मोस्ट पे क्यों ना लिखा हो, ठीक है? तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन, फिर हम समझेंगे कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम देखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप का है, जिसका नाम है आई, ठीक है? हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है? अब देखो, स्कैनर के थ्रू आई के अंदर वो वैल्यू हमें एंटर करनी है। सपोज मैंने 5 ही एंटर कर दिया है, ठीक है, 5 एंटर कर दिया। ये एक आपको विजिबल नहीं होता, जैसे मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, प्रिंट एफ के अंदर फैक्टोरियल इज, तो अब लिखा हुआ आएगा फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू परसेंट टी के थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे, स्लैश एन के थ्रू वैल्यू को एंटर लगाने के लिए यूज कर, लाइन को एंटर लगाने के लिए यूज करते हैं। अब इसके अंदर देखो, फंक्शन को ही कॉल कर दिया, प्रिंट एफ के अंदर भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी हमने नॉर्मली सिंपलेस्ट फॉर्म देखा था, तो फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट वे भी हमें यहाँ पर समझने की नीड रहेगी, ठीक है? तो फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल आई को प्रिंट करवाएगा यहाँ पर, तो फैक्टोरियल आई तो अभी हमें सोल्व करना पड़ेगा, अभी अब तक हमने सोल्व भी नहीं किया। तो फैक्टोरियल आई, जैसे ही इंट के अंदर फैक्टोरियल नाम का, देखिए हमारा फंक्शन का नाम क्या था, फैक्टोरियल था, जैसे ही मेन के अंदर हमें हमारे फंक्शन का नाम मिल जाएगा, डायरेक्टली ये यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कॉलिंग प्लेस था, ये हमारा कॉल्ड प्लेस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पर अभी कॉल किया है। तो अब हम इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग देखेंगे, कैसे कैसे फैक्टोरियल का वर्क हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है, और हमें हमारा, जैसे हम 5 एंटर करते हैं तो हमें हमारा आउटपुट कैसे मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका लॉजिक समझेंगे हम लोग, इसका लॉजिक क्या होता है। सबसे पहले क्या है, इंट यानी कि कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल हमारा फंक्शन हो गया, एंट ए यानी कि एक ही वेरिएबल है जो कि आई था हमारा वेरिएबल, उसमें 5 वैल्यू हमने पास किया था, उसके अंदर हम क्या करें हैं यहाँ पर, अभी ए वेरिएबल के थ्रू हम लोग 5 को ही पास करवाएंगे। तो फैक्टोरियल आई था यानी कि फैक्टोरियल 5 हो गया यहाँ पर, तो ए के अंदर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है।
अब देखो ए के अंदर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, जो ए हमारा आई के अंदर था। अब हम इसके अंदर कंडीशन चेक करेंगे। मैंने आपको रूल बताया था फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर आपको इफ एल्स कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जस्ट चेक करने का ये वे है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम है कि नहीं है। तो फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर अब हम आ गए। इफ ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या है 5, 5 इज इक्वल टू 1, भाई कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब ये इफ इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा डायरेक्टली, इफ अपने एल्स को फाइंड आउट करेगा। अब रिटर्न क्या करवा रहा है, ए इंटू फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस 1, ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू फैक्टोरियल ए माइनस 5, ये आ गया। तो अब है ना ये एक स्टैक क्रिएट करेगा, क्योंकि हम रिकर्शन में क्या करते हैं, रिकर्शन में स्टैक क्रिएट करते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट का हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, 5 इंटू फैक्ट लिख रही हूँ फैक्टोरियल का शोर, ठीक है, 5 माइनस 1, ठीक है। ये टोटल स्टैक हमारा क्या है, जस्ट अ मिनट, ये है हमारा टोटल स्टैक। अब इसके अंदर हमारे स्टैक में ये डाटा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 5 इंटू फैक्ट हमारा यहाँ पर 5 माइनस 1, दैट मीन्स कि 4 ये हो चुका है, 5 इंटू 4। अब नेक्स्ट ये वाला स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। अब इस बार हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अब फिर से चेक करेगा। अब इस बार हमारी ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस बार हमारी ए की वैल्यू 4 हो चुकी है, यहाँ से 4 हो चुकी है। अब फिर से ये चेक करेगा, 4 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गया। इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम एल्स पे आएंगे। अब इस बार हमारी 4 हो गई ए की वैल्यू, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1, दैट मीन्स कि ये 3 हो चुका है, ठीक है। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। क्या ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हम फिर से एल्स पे आ गए, 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1, जो कि ये 2 हो चुका है, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फिर से चेक करेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन भी फॉल्स है, यहाँ पर फिर से एल्स पे आ जाओ। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करो, 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर 1 हो चुका है। अब ए की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो अब चेक करेंगे, इफ 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन 2 है, डायरेक्टली 1 को ही रिटर्न कर दो। और ये साथ साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे ये मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर ये फैक्टोरियल रिटर्न 1 करेगा, जैसे रिटर्न करेगा, और ये फैक्टोरियल के थ्रू हम यहाँ पर काम कर रहे थे। फैक्टोरियल लोग 4 हुआ था, फिर फैक्टोरियल लोग 2 हुआ था, फिर 1 हुआ था, तो इसके अंदर हमारी वैल्यू आती जा रही है, और ये इसके थ्रू यहाँ पर 120 आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मेन फंक्शन के थ्रू फैक्टोरियल ऑफ 5 को कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ 5 की वैल्यू 1 बाई 1, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, और उनका मल्टीप्लीकेशन साथ में इसके अंदर रिटर्न होता रहा, जो कि यहाँ पर हमारे पास डेटा में स्टोर होता रहा, और लास्ट में हमें आउटपुट हमारा यहाँ पर 120 मिल गया। स्टैक की हेल्प से ये स्टोर हुआ, क्योंकि स्टैक के अंदर हमारा सारा डाटा यहाँ पर विजिबल था, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई हुआ और हमें हमारा आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा रिकर्शन का। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, पॉइंटर का टॉपिक। टिल देन आप लोग रिकर्शन के थ्रू और भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। थैंक यू।